खुडी गांव का नाम है। इस जगह का नाम नौलखा बाग। ये 1200 बीघा जमीन बाबा गू के जारवीर की गऊ चराया करती यहाँ पे, और संतरी बांदी लोग चराया करते थे। तोड़े के बाद में ये जहां मंदिर बना हुआ है, ये मैड़ी बनी हुई है यहाँ पे, ये सिल चट्टा जमीन से निकली हुई है। एक तो जाहरवीर गोगा जी महाराज की है। मैं समझ में नहीं पड़ी है ये, बाकी इसका सर्च मार लिया। दोनों सिल चट्टा विक्रम संवत 1031 में जमीन से निकली हुई है। इनको आज करीबन 1048 साल हो गए। ये वो पेड़ है इंद्रजाल का बुंटा, ये आज कम से कम 1500 साल पुराना हो गया है। ये वो 1500 साल पुराना पेड़ है। इसके नीचे चौपड़ पासे खेलते खेलते युद्ध हो गया था। आपको यहाँ पे जो जमीन फटती है ना, वो नवरात्रों में जमीन फटती है, काफी मतलब चौड़ी जो दराड़े पड़ जाती है। अब तो पाए जाते हैं कॉपर के, जैसे ये देखो ऐसे है ये देखो, ये सिक्के पाए जाते हैं यहाँ पे। आती है तो हवा में निकल जाते हैं कंकाल, काफी कंकाल पड़े हुए हैं यहाँ पे। असली नौलखा बाग कौन सी जगह? देखिए, मैं विपिन चैनल के माध्यम से आपको पहले भी बता चुका हूं जी, और पिछले साल और अब भी बताने जा रहा हूं। दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं खुडी, जहां जहारवीर गोगा जी का युद्ध स्थल है, और ये जगह नक्शे पे बहुत कम हमें देखने को मिल रही है। आज फिर मैं एक बार खुडी पहुंच चुका हूं, और भगत जी आप सामने देख पा रहे हो मंदिर के अंदर विराजमान है। इनसे मैं बातचीत करूंगा और यहाँ की जो महिमा है उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी है वो लेने वाला हूँ। सबसे पहले गुरुदेव, आपको मेरे सभी दर्शकों की ओर से प्रणाम। जय हो मां। बाबा, हम ये जानना चाहते हैं, जिस भूमि पे मैं अभी खड़ा हूं, जो ऐतिहासिक भूमि है परंतु नक्शे पे बहुत कम हमें देखने को मिलती है, तो यहाँ की क्या कुछ विशेषता है, गोगा जी से किस हिसाब से जुड़ी हुई है, उसके बारे में हमें पूरा विस्तार से बताएं, ताकि भक्तों तक इस चीज की जो जानकारी है वो पहुंच पाए, और जो एक विरासत है हमारी उसको लोग देखने के लिए यहाँ पहुंच सके। देखिए, ये चुरू जिला है। चुरू जिले के अंदर गाँव खुडी पड़ता है। खुडी गांव का नाम है। इस जगह का नाम नौलखा बाग। ये 1200 बीघा जमीन बाबा गू के जारवीर की गऊ चराया करती यहाँ पे, और संतरी बांदी लोग चराया करते थे। तो चराते चराते यहाँ पे युद्ध शुरू हो गया था उनका, क्योंकि विक्रम संवत 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने के लिए दिल्ली वाला बादशाह गया था मोहम्मद गजनवी। तो वो आक्रमण करते करते यहाँ पे पहुंच गए थे। तो यहाँ अर्जुन सर्जुन जोड़ू को उनने बहकावे में ले लिए थे कि गोगा जारवीर को है ना राज तिलक तुम्हारे को दिला देंगे, इसको मार देंगे मिटा देंगे, ऐसे बहकावे में आ गए थे। तो यहाँ पे एक जाड़ का पेड़ खड़ा है, बार में आपको दिखाऊंगा। तो उस जाड़ के नीचे गोगा जारवीर महाराज महाभारत वाला चौपड़ पाशा का खेल खेलते थे, बट्टी वाला खेल खेलते खेलते युद्ध शुरू हो गया। तो सबसे पहले तो उनकी फौज आई थी, यहाँ पे काफी फौज मारी गई थी, हजारों की संख्या में फौज मारी गई थी। आज तक भी उनके नर कंकाल पड़े हैं, उनके पास पैसे पाए जाते हैं, और पैसे कोई इनको हर रोज दृश्य देखने को मिलता है यहाँ। ये नहीं है कि कोई इनको दृश्य देखने को नहीं मिलेगा, हर रोज कोई इनको चमत्कार यहाँ होता रहता है। तो यहाँ पे युद्ध हो गया था। युद्ध होने के बाद में ये जहाँ मंदिर बना हुआ है, ये मैड़ी बनी हुई है यहाँ पे, ये सिल चट्टा जमीन से निकली हुई है। एक तो जहरवीर गोगा जी महाराज की है, ये देख पा रहे हैं आप, ये जहरवीर गोगा जी महाराज की है, ये जहरवीर गोगा जी है। हाँ, और उस साइड में एक घोड़े पे दो भाई है, अर्जुन सर्जन जोड़े भाई, इस फेसिस कटे हुए हैं, और ये अर्जुन सर्जन जोड़े भाई हैं, एक घोड़े पे दोनों के शीश कटे हुए हैं। इसके नीचे लिखाई है सिल चट्टा के ऊपर, जैसे गढ़ों के ऊपर कई गांवों का पटा होया करता है, ऐसे छीणी और हथौड़े से खुदाई की गई होती है। ये भाषा शुद्ध हिंदी है बिल्कुल। इस पे लिखा हुआ है विक्रम संवत 1031
श्रावण सुधी एकादशी यानी ग्यारस बार आदित्यवार यानी संडे। ये चीज पढ़ाई समझ में आई है, बाकी हमें समझ में नहीं पड़ी है ये, बाकी इसका सर्च मार लिया। दोनों सिलचट्टा विक्रम संवत 1031 में जमीन से निकले हुए, इनको आज करीबन 1048 साल हो गए। तो ये राजगढ़ सादुलपुर से स्थान पड़ता है 12 किलोमीटर, ददरेवा से 8-10 किलोमीटर पड़ता है, और यहाँ से गुगा मेड़ी 70 किलोमीटर पड़ती है। तो आपको बाहर का उद्देश्य भी दिखा देते हैं। ये वो पेड़ है इंद्रजाल का बूंटा, ये आज कम से कम 1500 साल पुराना हो गया है। इस पेड़ के ऊपर श्रावण भादवा में सांप के रूप में जोड़े से सांप आते हैं, हर भक्तों को दर्शन देते हैं और उसको पकड़ भी लेते हैं, किसी को काटते भी नहीं है। तो देखने का समय इसको रात को 9 से 11 तक, भादवे के महीने। हाँ, भादवे के भी नहीं, श्रावण भादवा आसोज ढाई भी नहीं दिखते हैं। ये वो 1500 साल पुराना पेड़ है, इसके नीचे चौपड़ पास से खेलते खेलते युद्ध हो गया था। तो यहाँ पे एक ये सरोवर है जो अब की बार पक्का बन गया, पहले गोगा जी महाराज ने अपने हाथों से खोदा हुआ है। इतिहास के अंदर भी ये गोगाना तालाब है। तो यहाँ पे पहले कुएं काई ये नहीं हुआ करते थे, न कोई बिजली पानी हुआ करते थे, तो इसी में गांव पानी पिया करता था, इसी में गाय पानी पिया करते थे, इसी में घोड़े पानी पिया करते थे। वर्षा बहुत ज्यादा होती थी, एक बार बरस जाता था दोबारा भी नहीं इसके अंदर पानी रहा करता था। आपको तालाब भी दिखा देते हैं दोस्तों, हम उस तालाब पे जा रहे हैं जो ऐतिहासिक है, गोगा जी द्वारा खोदा गया है। और सुनने में ये भी आया है यहाँ की जो जमीन है वो हर साल फटती है, तो बाबा जी जो जमीन फटती है उसका क्या कुछ इतिहास है? वो इतिहास ये है कि ये तो सरोवर है, आप इसको दिखाओ, ये अब की बार पक्का हो गया, पिछली बार तो कच्चा था जी। हाँ, ये सरोवर है, इसमें नहाने से अनेक रोग दूर होते हैं, जिसको बच्चा नहीं है तो बच्चा प्राप्ति का वरदान मिलता है, और इसमें नहाने से खाज खुजली फोड़ा फुंसी भी जाता है। काफी लोग ये श्रद्धा से स्नान करके जाते हैं और इसका पानी भी लेके जाते हैं। ये गोगाना तालाब है, गोगा जी महाराज ने अपने हाथों से खोदा हुआ है, और अब की बार ये गवर्नमेंट द्वारा पक्का भी बना दिया गया है। और बाकी आपको यहाँ पे जो जमीन फटती है ना, वो नवरात्रों में जमीन फटती है, काफी मतलब चौड़ी जो दराड़े पड़ जाती है। अब तो बारिश हो रही है, बारिश के टाइम ये मिट्टी बराबर हो जाती है, जिस टाइम में काफी देखने में मिलेगी, काफी दराड़े पड़ जाती है। वो क्यों पड़ जाती है, क्यों फटती है वो जमीन, उसका उद्देश्य यही है कि काफी मात्रा में फौज मारी गई थी काफी मात्रा में, तो वो फौज के जो हार्ड पड़े हैं, जो डेड बॉडी पड़ी है, तो बॉडी के अंदर पानी जाएगा, उसकी गैस बनेगी, तो गैस से वो जमीन फट जाती है जी। और वो कंकाल काफी मात्रा में है यहाँ पे, तो बारिश हो रही है, इसके ऊपर मिट्टी पड़ गई, लेकिन एक दो तो कंकाल भी दिखाऊंगा मैं आपको। और इस पे जिस टाइम का सिक्के भी पाए जाते हैं, क्योंकि जिस टाइम में कोडी देला न्योली ये सिक्के हुआ करते थे कॉपर के, वो भी पाए जाते हैं हर रोज, किसी न किसी को जरूर मिल जाते हैं। तो आपको वो कंकाल भी दिखाएंगे, और कंकाल भी 8-8, 10-10 फुट के जवानों के कंकाल है यहाँ पे। हाँ, मतलब अभी जो आदमी की एवरेज लंबाई है वो 6 से 7 फीट कम होती जा रही है, लेकिन प्लस हाँ, जिस टाइम में बहुत ज्यादा थी। देखो ये बारिश हो रही है, बारिश में कम नजर आ रहे हैं, लेकिन ये पूरा कंकाल है, ये आप देख पा रहे हैं, ये बिल्कुल बिल्कुल ये बॉडी पार्ट्स लग रहा है, ये पूरा बॉडी पार्ट्स लग नहीं रहा है, ये देखो ये बिल्कुल ये क्लियर है, ये देखो ये पूरा बॉडी है, ये देखो आप जूम करके देखो इसमें आराम से, ये पूरा बॉडी है देखो, मतलब अभी थोड़ी जमीन गिली है वरना पूरा व्हाइट कलर हमें दिखता। और ये यहाँ भी है, ये देखो इसका ये 10-11 फुट की है, और यहाँ पे भी ये कंकाल है, ये देखो ये रहा, मतलब हाइट काफी ज्यादा इसकी लंबी है। और यहाँ पे सिक्के पाए जाते हैं कॉपर के, जैसे ये देखो ऐसे है, ये देखो ये सिक्के पाए जाते हैं यहाँ पे, इसके ऊपर पढ़ाई भी है। और मेरे पास एक पहले का भी मिला हुआ है, ये सिक्के पाए जाते हैं यहाँ पे, देखो पेवर कॉपर का, इस पे भाषा भी है, ये देखो आप। तो ऐतिहासिक चीज हमें यहाँ देखने को लाइव मिल गई है, एक तो मिल गई, एक मेरे पास था ये पहले का, एक ये मिल गया एक। चलो मैं भी वैसे जो पुराने सिक्के उनका एक बड़ा कलेक्शन करता हूँ, ऐतिहासिक सिक्के मेरे पास भी काफी मौजूद है। और मोहम्मद गजनबी की जो समाधि है वो यहाँ पे है, और कहीं नहीं देखने को मिलेगी आपको। तो इसके ऊपर इसका टेस्ट हुआ था जब हमने निर्माण करवाया था यहाँ पे, ये बनवाए थे बरंडे वगैरह पब्लिक को सुरक्षा के लिए, रहने के लिए, बारिश में कोई तंग न हो, तब यहाँ पे गौड़ी मारी गई तो निरे कंकाल ही कंकाल निकले थे। तो इसकी हड्डी थी, उसका डीएनए टेस्ट हुआ था जी, उस टेस्ट में पता चला था। तो ये इसके ऊपर जाल लगा दिया गया, ये घास फूस सूख गया, बाकी यहाँ पे काफी मात्रा में कंकाल है, एक नहीं हजारों कंकाल हमने देखे यहाँ पे जी। यहाँ कोई भी निर्माण करते हैं तो नीम खोदते हैं, जेसीबी से, आकस्सी से,
तो उसमें पूरे कंकाल बॉडियां जाड़ दांत ऐसे कैसे क्यों कौन संस्कार करने वाला था काफी मात्रा में लाखों की संख्या में जो लोग मरे हैं तो उनका अंतिम संस्कार तो उस वक्त हुआ भी नहीं। हाँ वो मिट्टी पर बोकरी बोकरी अभी वो बारिश होती है या आंधी आती है तो हवा में निकल जाते हैं कंकाल, काफी कंकाल पड़े हुए हैं यहाँ पे, ये यहाँ का दृश्य है भाई। और एक यहाँ जो गोरखनाथ का धुना है, ये पुराना धुना है यहाँ पे गुरु गोरखनाथ जी का, जहाँ जमीन फटती है यहाँ पे जी जी, तो ये धुने का निर्माण अभी चालू किया है। पहले तो कच्चा धुना था, इसके ऊपर कच्चे ही बनाई हुई थी मैडी सी जी जी, और मंदिर अभी ये पक्का बनने जा रहा है, अभी धीरे धीरे हो जाएगा दानपुन से। और ये मैं एक बात और जानना चाह रहा हूँ, एक कॉल कर लीजिए आप। हाँ हाँ बोलो। जो नौलखा बाग है जो इस दुनिया में जाना जाता है, लोगों की सोच है कि हम उस नौलखे बाग को हम देखें तो आज कहाँ मौजूद है। काफी लोग कहते हैं कि जो ददरेवा का मंदिर है उसके बिल्कुल पीछे नौलखा बाग है, और काफी लोग जो गोगा मेडी के अंदर जो गोरख टीला में बना हुआ है उसको नौलखा बाग मानते हैं। असली नौलखा बाग कौन सी जगह? देखिए मैं विपिन चैनल के माध्यम से आपको पहले भी बता चुका हूँ जी, और पिछले साल और अब भी बताने जा रहा हूँ कि एक राजा की अरासत होया करती थी और उसकी 9,00,000 बीघा भूमि एकड़ जमीन हुआ करती थी। ये किसकी हुआ करती? राजा उमराव सिंह की हुआ करती थी। उसके दो संतान हुई थी, राजा जेवर और नेवर, जो गोगा जी के पिताजी, हाँ जो गोगा जी का पिताजी जेवर था और अर्जुन सर्जुन का पिताजी नेवर था। तो उनके दादाजी की अरासत होया करती थी, वो 9,00,000 बीघा भूमि जमीन ददरेवा से लेके खुडी इसार साइड हनुमानगढ़ साइड तक, ये सारा प्रांत ही नौलखा बाग है। इसको नौलखा बाग बोलते हैं, यात्री आते हैं ददरेवा में बोलते हैं कि नौलखा बाग कहाँ है, यहाँ डूंगी डाबर गांव खुडी में आते हैं तो बोलते हैं कि नौलखा बाग कहाँ है, तो ये नौलखा बाग इस प्रांत को ही बोलते हैं कि 9,00,000 बीघा भूमि जमीन है इसको, अभी तो खेती में हो गया जमीन, गाँव बस गए तो ये ऐसे हट ली गई, बाकी यहाँ डूंगी डाबर में नौलखा बाग अभी भी मौजूद 1100-1200 बीघा पड़ा है। मतलब आज हम ये माने कि इस दौर में जो नौलखा बाग है वो जिंदा है, वो सिर्फ डूंगी डाबर में ही है, जो कि आज भी गोगा जी के नाम से जो जमीन है 1200 बीघा आप बता रहे हो वो मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल है। और ये जो जो भी सरकार प्रशासन आती है ना तो उसमें भी ये जो बाट आते हैं जी, जो जो भाई बाट आते हैं उनमें हमारे गांव की ये बीघा 6,500 बीघा गोगा जी महाराज की तभी लिखित में भी कटी हुई है जी। हाँ तो काफी ऐसे गांव बसते गए, दुनिया पब्लिक होती गई तो खेत बातें गए तो नौलखे बाग में से ही है सब कुछ। अभी 1200 बीघा यहाँ मौजूद है, ये गाँव खुडी है और इस जोड़ का नाम, जगह का नाम नौलखा बाग में डूंगी डाबर लिख दिया गया क्योंकि गोगा जी महाराज ने तालाब खोदा था सरोवर, इसका नाम तो गोगाना तालाब है लेकिन पंजाब वाले इसको जमीन की निचाई देख के डूंगाई देख के गहराई के कारण गहराई को उसके नाम रख दिया गया डूंगी डाबर, डूंगी डाबर लिख दिया गया, कोई डाबर भी लगा देता है क्यों, ये तो एक औषधि का नाम है लेकिन फिर भी इसका नाम है डूंगी डाबरी है जी जी, ये यहीं देखने को मिलेगा डूंगी। मतलब आज किसी व्यक्ति को अगर नौलखा बाग देखना है उसको यहाँ आना पड़ेगा और गोगा जी के नाम से जो जमीन है वो उसको यहीं देखने को मिलेगा। देखिए गोगा जी महाराज ने पूरा बचपन यहाँ खेला, पूरा बचपन यहाँ बिताया, ददरेवा के अंदर तो एक जन्म लिया है और गोगामढ़ी में जाके एक समाया है लेकिन यहाँ पूरा बचपन खेला, पूरा बचपन बिताया है यहाँ, उसके नए कोइन कोइन रोज हर रोज चमत्कार मिलते जाते हैं, जैसे सांप के रूप में आते हैं, यह इस जंगल के अंदर हजारों पेड़ खड़े हैं लेकिन कहीं नजर नहीं आएंगे, हमने अपने हाथों से पकड़े हैं, अपने हाथों से देखे हैं हजारों सांप इस पेड़ के अंदर ही क्यों आते हैं, कोई न कोई चमत्कार है उसका, बिल्कुल श्रद्धा है, श्रद्धा के कारण ही तो आते हैं, न किसी को काटते हैं वो, तो ये यहीं डूंगी डाबर में देखने को मिलेगा और ये चीज कहीं नहीं देखने को मिलेगी। लास्ट में आपका परिचय लेना चाहूंगा सर, कितनी पीढ़ी से आप यहाँ बाबा की सेवा है वो कर रहे हो? देखिए हमारी पुश्तैनी पीढ़ी से सेवा होती आ रही है, जैसे मेरे दादा ने की, ताऊ ने की, चाचे ने की, पिताजी ने की, जैसे अभी मेरा भाई एक्सपायर हो गया पीछे सुरेंद्र भगत, वो करता आ रहा था, अभी मैं करता आ रहा हूँ, दोनों भाई हम इकट्ठे सेवा करते आते थे, अभी करीबन 25 साल हो गए हमें सेवा करते हुए यहाँ, पहले दादा परदादा करते आ रहे थे जी। धन्यवाद सर।